एक वधु वीडियो साथे आज आपणे मळी रह्या छीए। मित्रों आजना वीडियोनो टॉपिक छे CCCH601 एटले के वेलेंसी जेने आपणे केमिकल बॉन्डिंग कहीए छीए। तो मित्रों शुरू करीए छीए MCQs पार्ट 5 अबाउट वेलेंसी। मित्रों वेलेंसीना चेप्टरमां पहेलो क्वेश्चन नंबर 1 रासायणिक बंधनी शक्ति माटे वेरिएशन पद्धति नीचेनामांथी कया सिद्धांत पर बनेली छे। मित्रों वेरिएशन नी पद्धति आप सर्वे जाणो छो कि वेरिएशन नी पद्धति एटले बंधना निर्माण वखते बंधनी शक्ति गणतरी करवा माटेनी मुख्य त्रण पद्धतिओमांनी एक छे। सेल्फ कंसिस्टंट फील्ड मेथड पद्धति, वेरिएशन पद्धति अने पर्टर्बेशन पद्धति। तो आमानी तमारा सिलेबस में एक पद्धति छे जेनुं नाम छे वेरिएशन पद्धति, जेने गुजराती में चलायमान पद्धति तरीके पण ओळखवामां आवे छे। ओके तो आवा रासायणिक बंधनी शक्ति माटे वेरिएशन पद्धति कया सिद्धांत पर एटले के साचा तरंग फलननी नजीकनुं तरंग विधेय अने ओछामां ओछी शक्ति प्राप्त थाय ए बेज उपर छे। साचा तरंग फलननी दूरनुं विधेय अने वधुमां वधु शक्ति, साचा तरंग फलननी नजीकनुं विधेय अने वधु शक्ति के ऊपरना एक पण नहीं। तो मित्रों वेरिएशन पद्धतिनो सिद्धांत साचा तरंग फलननी नजीकमां नजीकनुं तरंग विधेय प्राप्त करवुं अने शक्तिनुं मूल्य ओछामां ओछुं थाय जेथी करीने बंध खूब स्थायी बने, तो आवा सिद्धांत पर वेरिएशन पद्धति बनेली छे। मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 रासायणिक बंध बनावती परमाणुनी कक्षको जो सामान्यीकरण पामती होय तो नीचेनामांथी कई शरतनुं पालन थाय छे। मित्रों कक्षकोनुं नॉर्मलाइजेशन एटले के सामान्यीकरण पामवुं, Psi²dx = 1, Psi²dx = 0 −1 કે 2। તો મિત્રો આપ જાણો જ છો કે જો બંધ બનાવતી પરમાણ્વીય કક્ષકો સામાન્યીકરણ પામેલી હોય તો કરેક્ટ ઓપ્શન છે એ, સાઈ સ્ક્વેર સંકલનમાં સાઈ સ્ક્વેર ડીએક્સનું મૂલ્ય 1 જેટલું બને છે। ક્વેશ્ચન નંબર 3 રાસાયણિક બંધ બનાવતી પરમાણ્વીય કક્ષકો એકબીજાને જો ઓર્થોગોનલ હોય તો આમાંથી કઈ શરતનું પાલન થાય છે? તો મિત્રો કરેક્ટ ઓપ્શન છે બી, જો પરમાણ્વીય કક્ષકો એકબીજાને ઓર્થોગોનલ હોય તો સાઈ સ્ક્વેર ડીએક્સનું મૂલ્ય 0 બને છે। ધેન ક્વેશ્ચન નંબર 4 નીચેનામાંથી રેઝોનન્સ ઇન્ટિગ્રલ એટલે કે H1-2 નું મૂલ્ય કયું સાચું છે? પ્રથમ ઓપ્શન, દ્વિતીય ઓપ્શન, તૃતીય કે ચોથો ઓપ્શન? તો મિત્રો આપ જાણો છો રેઝોનન્સ ઇન્ટિગ્રલ જેને H1-2 અથવા બીટા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, અને બીટા અથવા H1-2ના નામ ઉપરથી આપણને ખબર પડે જ છે કે કરેક્ટ ઓપ્શન કયો હોઈ શકે। SiK આપ જોઈ શકો છો છે ને, અહીંયા 1K જે ઓવરલેપ ઇન્ટિગ્રલ છે, Psi₁ Psi₂ dt કે Psi₂ Psi₁ dt, તો દેટ ઇઝ ઓવરલેપ ઇન્ટિગ્રલ એટલે સૌમિશ્રણ સંકલક। H₁₁ Psi₁ H Psi₁ જેને કુલોમ્બિક ઇન્ટિગ્રલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને H₁K Psi₁ H Psi₂ dt અથવા Psi₂ H Psi₁ dt જેને રેઝોનન્સ ઇન્ટિગ્રલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો મિત્રો અહીંયા કરેક્ટ ઓપ્શન છે બી, સંકલનમાં Psi₁ H Psi₂ dt જેને આપણે H12 અથવા રેઝોનન્સ ઇન્ટિગ્રલ અથવા બીટા તરીકે ઓળખીએ છીએ। ધેન ક્વેશ્ચન નંબર 5 નીચેનામાંથી કુલોમ્બિક ઇન્ટિગ્રલનું મૂલ્ય કયું સાચું છે? તો મિત્રો હમણાં જ આપણે જોયું એ પ્રકારે H₁₁ = સંકલનમાં Psi₁ H Psi₁ dt અથવા આલ્ફા અથવા ક્યુ જેને આપણે કુલોમ્બિક ઇન્ટિગ્રલ તરીકે ઓળખીએ છીએ। સો કરેક્ટ ઓપ્શન ઇઝ એ, Psi₁ H Psi₁ dt જેને આપણે કુલોમ્બિક ઇન્ટિગ્રલ અથવા H₁₁ અથવા આલ્ફા અથવા ક્યુ તરીકે ઓળખીએ છીએ। ધેન ક્વેશ્ચન નંબર 6
जो कक्षकों वच्चे सौमिश्रण वधु में वधु थाय तो एस वन टू नु मूल्य केटलू थाय। मित्रों एस वन टू एटले ओवरलेप इंटीग्रल छे, अने जो कक्षकों वच्चे सौमिश्रण वधु में वधु थाय तो अहींया मैं हिंट आपी छे प्रकारे आप जोई शको छो एस वन वन एटले के आ जोई शको छो नॉर्मलाइजेशन अचळांक छे एस वन टू जेने आपणे ओवरलेप इंटीग्रल तरीके ओळखीए छीए। ओके जो एस वन टू जे छे ए एस वन टू अहींया जोई शको छो इफ द टू एटम्स आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टन्स एंड ओवरलेप एप्रोचिस टू जीरो। मित्रों कक्षकों वच्चे सम्मिश्रण न थतुं होय तो एस वन टू नुं मूल्य जीरो बने छे, ज्यारे कक्षकों वच्चे वधुमां वधु सम्मिश्रण एटले के इफ द एटम्स आर क्लोजर टुगेधर जो एकबीजानी बहुज नजीक होय तो ओवरलेपनुं प्रमाण जीरो थी वधु एटले के वधुमां वधु एक जेटलुं आपणने मळे छे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी वन। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, परमाणुमां कोईपण बे इलेक्ट्रॉनना चारेय क्वांटमों आंक सरखा होई शके नहीं। परमाणुमां कोईपण बे इलेक्ट्रॉनना चारेय क्वांटमांक सरखा होई शके नहीं एवं क्या वैज्ञानिके सूचव्युं? मित्रों वैज्ञानिक डिराक, आइन्स्टाइन, हुंड के पाउलिन। तो अहीं आप जोई शको छो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एटले के पाउलीनो बाधकतानो सिद्धांत, अपवर्जनों सिद्धांत पण कहेवामां आवे छे। तो आ सिद्धांत प्रमाणे जोई शकीए आपणे के पाउलिंगे सूचव्युं के नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हेव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। एनो मतलब कोईपण परमाणुमां कोई बे इलेक्ट्रॉनना चारे क्वांटमांक कदापि सरखा होई शके नहीं। तो आवुं सूचवनारो वैज्ञानिक पाउलिंग हतो। तो करेक्ट ऑप्शन छे डी पाउलिंग। मित्रों आ प्रकारे वधु सात क्वेश्चन मैं वेलेंसीमां आपवानो प्रयत्न कर्यो छे। आप सर्वे मित्रों जाणो छो ए प्रकारे अगाउ आज चेप्टरमांथी वेलेंसीमांथी एमसीक्यूजना चार भाग पब्लिश थई चूक्या छे। आप सर्वे मित्रों खूब खूब जुओ छो अने ए वीडियोनी जेम आ वीडियोना क्वेश्चन्स पण आप सर्वे मित्रोंने खूब गम्या होय अने मददरूप थई शके एवा लागता होय तो आप वधुमां वधु एने लाइक करो, शेर करो अने वधुमां वधु सब्सक्राइब करवा मेहरबानी करशो। थैंक यू।